देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 16 जून 2022 आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 184 नए मामले, मौतें 1 और 112 रिकवरी दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 991 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 230 नए मामले आए हैं, 58 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 1037 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 74 नए कोरोना के मामले, 35 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 378 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 596 नए कोरोना के मामले, 326 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 2114 है। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 205 नए मामले सामने आए हैं, 63 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 1401 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 21 नए मामले सामने आए हैं, कोई भी मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से 3 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 54 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 648 नए कोरोना मामले, 532 रिकवरी, कोई भी मौत दर्ज नहीं, सक्रिय मामले 3997 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 26 नए मामले आए हैं, 20 लोग ठीक हुए हैं, 1 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 566 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 476 नए मामले सामने हैं, 169 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 1938 है। नंबर दस, पांडिचेरी में आज 18 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 4 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 63 है। नंबर ग्यारह, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 82 मामले, 62 रिकवरी और कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई, सक्रिय मामले 569 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 27 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 190 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 92 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 581 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3488 नए मामले सामने हैं, 1808 लोग ठीक हुए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 17955 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 57 नए कोरोना संक्रमण के मामले, मौतें कोई भी नहीं और 45 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 393 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं, 13 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं, सक्रिय मामले 66 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले आए हैं, 15 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 1 व्यक्ति की मौत हुई, सक्रिय मामले 172 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 1 नया मामला सामने आया है, 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 2 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 17 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 162 है। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 30 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 189 है। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का 1 नया मामला सामने आया है, इस दौरान 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 1 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4024 नए मामले सामने आए हैं, 3028 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 2 मौतें हुई, सक्रिय मामले 19261 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 313 नए कोरोना के मामले आए हैं, 178 डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मौत दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 1645 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1375 नए मामले सामने आए हैं, 909 रिकवरी हुई हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 3643 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 16 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 164 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 232 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 25 नए कोरोना के मामले, 4 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 120 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 11 है। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 188 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।